So hey, what is up guys, welcome back to another gameplay video. भाई Rex की दहाड़ सुनी गाइज आपने, कितनी खतरनाक थी यार. वैसे गाइज आज हम खेलने जा रहे हैं Ark Survival Evolved Mobile Edition. ये देखो गाइज हमारी ये दो खतरनाक लेजेंडरी डायनोज है, ये दूसरा है हमारा Spinosaurus. भाई ये स्पाइनो जो है ना गाइज बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, सेकंड नंबर का सबसे खतरनाक डायनो है. नंबर वन पे गीगा रहता है गाइज, जो लास्ट एपिसोड आपने देखा था गाइज उसने मेरी क्या ही हालत की थी, बस दो बाइट ने मेरे को फिनिश कर दिया था, मेरे डायनो को भी मार डाला था. ये उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है गाइज, और इसकी एक स्पेशल एबिलिटी रहती है गाइज, ये जब पानी के अंदर आता है ना इसको पानी का बफ मिल जाता है, मतलब स्पीड बढ़ जाती है. भाई यार कोई डायनो नहीं टिक सकता सामने इसके. भाई देखो गाइज अभी मैं जितने डायनो दिखता है ना उनसे मैं पंगे लेने की कोशिश करने वाला हूँ, बट इसे कोई छू भी नहीं पाएगा इजीली बात करें तो. बट छोड़ो यार आज का हमारा टॉपिक ये नहीं है, आज का टॉपिक ये होने वाला है कि जो न्यू माइनक्राफ्ट में प्लेयर्स आते हैं गाइज जिनकी लेवल 20 तक होती है उनके लिए एक डायनो रहता है गाइज, वो इंपॉर्टेंट डायनो उनको टेम किस तरह से करना है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ. स्पेशली वो फ्लायर होता है गाइज जिसे हम बोलते हैं पेट्रोडॉन, ओके कुछ कोई लोग उसको टेर्नोडॉन भी बोलते हैं, वो डायनो किस तरह से टेम करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ. तो टेर्नोडॉन को नॉक करने के लिए आपके पास उडन क्लब तो होनी चाहिए, नहीं तो आपके पास टॉक्सिकंट एरो होनी चाहिए. जो भी आपके पास है उसको फटाफट कलेक्ट कर लेते हैं और चलते हैं उसको टेम करने के लिए. मेरे पास उसका इम्प्लांट है, उसको रिवाइव करके हम टेम करने वाले हैं. सो चलते हैं अभी वहाँ पे. तो चलो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ हमारे ऑब्लिक पे जहाँ पे हम इसको रिवाइव करने वाले हैं. मेरे पास ये इम्प्लांट है क्योंकि ये इरिडाइनो है, ठीक है. आपको भी जो है ना अगर मान लो आपको इरिडाइनो नहीं टेम करना है, नॉर्मल डायनो टेम करना है, तो आपको यहाँ पे घूमता हुआ दिखेगा वो, जैसे ही ग्राउंड पे बैठता है उसको बोला करके रोक के रखना है. तो उसके लिए मेरे को बोला बनाना पड़ेगा. तो बोला की रेसिपी मेरे को पता है, यहाँ पे मुझे कुछ हाइड की भी जरूरत पड़ेगी और कुछ फाइबर्स की. चलो देख लेते हैं अभी मैं बना पाता हूँ या नहीं बोला. तो ये रहा गाइस ये बोला. अब चैन का बोले की जरूरत नहीं है, नॉर्मल उड़ का भी बोला बना लेते हो ना तब भी चल जाता है. उसको फटाफट जैसे ही वो लैंड करता है ना उसके ऊपर ये मारना है और उसको यहाँ पे रोक के रखना है. अभी उसको स्पॉन करते हैं और फटाक से उसके ऊपर बोला यूज करेंगे ताकि वो जल्दी भाग ना पाए. बट सबसे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे आर्टिफैक्ट को क्लेम कर लेता हूँ. ये हुई ना बात, मुझे मिल चुका है यहाँ से सूदिंग बाम जिससे हम इजिली डायनो को टेम कर सकते हैं. अब रिक्रिएट करते हैं हमारे पेट्रोडॉन को. भाई अभी आने वाला है, जैसे ही आएगा ना ये बोला करके उसको बिठाना है गाइस, अदरवाइज वो भाग जाता है. तो इसको फटाफट ओके स्पॉन हो गया. अब इसके ऊपर देखो इस तरह से आपको बोला करना है, जैसे बोला करोगे यहाँ से हिल नहीं पाएगा. अगर आपके पास अभी उडन क्लब है तो उडन क्लब से इसके सिर के ऊपर मारना है, फटाफट मारोगे तो ये नॉक हो जाता है गाइस. अगर आपके पास टॉक्सिकन टैरो आप बना ले रहे हो तो आप जो है ना इसको टॉक्सिकन टैरो से भी नॉक कर सकते हो. तो मेरे पास ट्रंक एरोज है, इसको फटाफट नॉक कर देते हैं. वैसे देखो अभी 130 लेवल का है, 2-3 एरो में नॉक हो जाएगा. देखो अभी बस ये देखो गाइस, मुश्किल से मुझे 3 एरो मारने की जरूरत पड़ी और नॉर्मल ट्रंक एरो ही यूज़ किए और ये नॉक हो गया गाइस. ये खास बात होती है इसकी. अभी मैं इसको क्या कर देता हूँ, सूदिंग बाम देता हूँ और इसकी जो स्पीड है वो 10x से बढ़ा देता हूँ, क्योंकि देखो इसका फूड उतरने का वेट करना पड़ेगा. देखो उसका फूड फुल है, हेल्थ वगैरह काफ़ी अच्छी है. जैसे इसको हम टेम करेंगे कुछ लेवल का हमें बूस्ट भी मिलने वाला है. तो अभी मैं सबसे पहले इसके अंदर ये सूदिंग बाम दे देता हूँ और इसको जो है ना 10x से स्पीड बढ़ा देता हूँ अब इसकी. और इसके अंदर मुझे नारकोटिक्स भी रखना पड़ेगा जिससे ये जो है अनकॉन्शियस ज़्यादा देर तक रहे. तो चलो गाइस यहाँ पे मैं रख देता हूँ इसके इन्वेंटरी में नारकोटिक्स और इसको अभी थोड़ी देर तक हमें अनकॉन्शियस ही रखना है. तब तक यार इसका फूड लेवल भी उतर जाएगा और मैं अभी प्राइम मीट का भी इंतज़ाम कर देता हूँ. अभी प्राइम मीट मुझे कहाँ से मिलेगा यार, मुझे डायनोस को मारने चलना पड़ेगा. तो चलते हैं अभी हमारे अर्जेंट एविस पे. तो मुझे डायनोस कुछ इस साइड पे देखने मिल रहे थे. चलो चलते, वैसे नाइट भी हो रही है तो मुझे फटाफट भी प्राइम मीट कलेक्ट करना होगा. वैसे यार कोई डायनो दिख तो नहीं रहा जिससे मुझे प्राइम मीट मिल सकता है. यार कहाँ चले गए भाई, कोई डायनो नहीं दिख रहा है. ओ भाई इधर देखो, इधर नॉर्मल डायनो थे. ओ भाई ये मिला देखो, फिर भाई ये इसकी लेवल 145. भाई ये मेरे डायनो को बहुत डैमेज दे रहा है यार, क्योंकि जल्दी थोड़ा घूम घूम के इसको मारना पड़ेगा. घूरता क्या है बे भाई, ये डायनो बहुत ज़्यादा खतरनाक है. साले हट हट साले भाई भाई ये पीछे आ रहा है यार मुझे, मैं समझ नहीं पा रहा मैं क्या कर रहा हूँ यार. इसके हाथ में बहुत डैमेज होता है यार, मुझे थोड़ा घूम घूम के इसको मारना पड़ेगा. और शायद मेरे पीछे दो पड़ गए यार, ये देखो उसको कुछ लगा भी नहीं फिर भी साला मेरे पीछे पड़ा है यार. इनको अभी मुझे घूम घूम के मारना पड़ेगा. इतना इतना साले जल्दी, जितना हो सके जल्दी मैं इसको मार देता हूँ. देखो मैं उसको उतर के भी मार सकता हूँ, बट यार फिर मज़ा नहीं आएगा क्योंकि टक्कर की लड़ाई होनी चाहिए. तो यार हम अर्जेंट एविस से ही लड़ेंगे. ओके भाई यार यार ये मच्छर लोग मेरे पीछे पड़ गए देखो ये. अरे यार तुम दोनों क्यों मेरे पीछे पड़े हो भाई, ये पूरी हेल्थ मेरी लाल कर देगा यार. मेरे को ये टॉक्सिसिटी भी दे रहा है तो मुझे थोड़ा ध्यान दे के इसको मारना पड़ेगा. मर जा यार. अभी गाइस मुझको समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों में आपस में फाइट हो रही है. इसकी हेल्थ अभी 1000 बाकी है.
बदला भी अब बहुत ज़्यादा डैमेज तो खाएगा। नहीं नहीं 500 अभी नॉक हो जाए यार। ओके कोई तो मरा नहीं, नहीं नहीं वो मच्छर मरा है, अभी भी वो बाकी है जिसको अभी दो शून्य शॉट मारने पड़ेंगे। चलो चलो फाइनली गाइज इसे मैंने यहाँ पे मार दिया है, अब थोड़ा हेल्थ रिकवर कर दे अपनी। ये रहे गाइज अर्जेंटाइविस की पावर, जब इसे नॉक करता है ना कोई तो ये उसकी जो है ना हेल्थ ले लेता है इस तरह से देखो। तो फाइनली इसकी अभी हेल्थ बढ़ेगी और हमें तो कुछ मिला नहीं यार, प्राइमेट भी नहीं मिला भाई, ये क्या भी ऐसा काम हो गया यार। रुको मैं अपने शॉर्ट से मार के देखता हूँ इग्नोडॉन को, इससे प्राइमेट में मिलता है, एक बार चेक करते भाई। यार प्राइमेट क्यों नहीं मिल रहा यार मुझे, और ये देखो मच्छर यार तुम्हारा काम नहीं है अभी, हटो यार। अरे रुक जा भाई लारा रुक जा यार, इतना पैनिक मत कर, कोई नहीं छू सकता मुझे, तू टेंशन मत ले। चलो भाई यहाँ पे अभी बैठते और देखते यार कोई और डाइनो अगर मिल जाए जिससे मुझे प्राइमेट मिल जाए तो सही होगा। ओके ये सामने मेरे को स्टिगो मिल चुका है गाइस, इससे मुझे प्राइमेट मिल सकता है। अब इसको मार के फिनिश करते हैं और इससे मुझे ओके 4 प्राइमेट मिला है। इतना सफिशिएंट होगा या नहीं पता नहीं यार, अभी जल्दी से इसके इन्वेंट्री में रख देते क्योंकि गाइस हमारे इन्वेंट्री में जो है ना ये मीट स्पॉइल हो जाता है, तो जल्दी इसके इन्वेंट्री में रखेंगे। एक चीज़ मैं आपको डैम श्योरली कहता हूँ गाइस, आप जब लो लेवल पर रहते हो ना 20 लेवल पे, आपको पेट्रोडॉन को टेम करना ही पड़ेगा, विदाउट टेम करे आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो गाइस, क्योंकि आपको 20 लेवल पे मैप एक्सप्लोर करना पड़ता है और आपके पास ये पैरासोन की छोड़ के कोई और डायनो होता ही नहीं है गाइस, तो उससे पूरा मैप एक्सप्लोर करना बच्चों का खेल नहीं गाइस, इसलिए आपको इसको टेम करना ही पड़ेगा। टेम तो आप कर लोगे बट उसके ऊपर राइड करने के लिए सैडल का इंतजाम करना होता है, वो मैं बताऊंगा किस तरह से आपको करना है, तो वीडियो को पूरा देखना बस अभी। चलो गाइस चलते हैं अभी उस डायनो की तरफ और उसको ये प्राइमेट खिलाते हैं। वैसे इसका फूड लेवल जो है काफ़ी हद तक उतर चुका है, अब इसको खिला के फटाफट टेम कर लेते हैं और जल्दी टेम हो जाता है यार, इसकी खास बात यही है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता, ज़्यादा भाव नहीं खाता है, इजीली टेम हो जाता है। देखो अभी मैं इसको ये जो है प्राइमेट खिला लेता हूँ, मुझे लगता है थोड़ा और प्राइमेट की ज़रूरत पड़ेगी। ओ भाई एक प्राइमेट में टेम हो गया, वो भी 130 लेवल का था यार गाइस, समझ सकते हो कितना इजीली टेम होता है ये। भाई ये टेम हो चुका है अभी, अब इसको बाहर लेके चलते हैं। भाई ये अटका दिया इसने गेट को, तो मैं थोड़ा उस साइड से इसको निकालता हूँ। आजा आजा अभी इसको खोल के बाहर निकाल लेते हैं गाइस, या भी अपने को फॉलो करेगा, अभी कहीं भाग नहीं सकता है, टेम हो चुका है। आजा आजा बच्चा बाहर आजा बाहर आजा। ओ भाई ये देखो गाइस ये कलरफुल है, आप जब आपके पास ये तो ये डायनो नहीं होगा पर जब बाहर का डायनो टेम करोगे ना आपको भी इस तरह से कलर मिलेगा नॉर्मल कलर में, जिसका कलर चेंजिंग नहीं होता है। अब इसको स्टॉप करते और उसको लेके चलते अपने बेस पे, वहाँ पे मैं बताऊँगा आपको सैडल किस तरह से लेना है। इसका स्टैट्स देख लो, काफ़ी अच्छे स्टैट्स है, डैमेज भी काफ़ी अच्छा है। तो चलते हैं अभी फटाफट से, अपने को फॉलो करेगा, इसकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी होती है अर्जेंटाइविस की तरह ही होती है। और चलते हैं, ओ स्पाइनो भाई, उस स्पाइनो को मैंने गलती से छेड़ दिया भाई, मेरा डायनो उसको पीछे ना पड़ जाए यार, ये इसको मरना है क्या भाई, वो स्पाइनो यार उसको नहीं छोड़ेगा ये, मुझे जल्दी इसको स्पाइनो को मारना पड़ेगा क्योंकि यार मेरे डायनो को मार देगा यार, अभी टेम किया भाई छोड़ दे। ओ चलो थैंक गॉड ये स्पाइनो 5 लेवल का ही है इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, भाग रहा है भाग रहा है, मार मार ये मार देगा हमारा डायनो उसको मार देगा। और ये रैप्टर पीछे, भाई यार कितने सारे डायनो पीछे पड़ रहे हैं। चलो ठीक है इसने उसको मार दिया, अभी भाई इस तरह उस रैप्टर के पीछे मत पड़ यार, वो रैप्टर बहुत खतरनाक मारता है यार, इसको क्या हो गया भाई। आजा आजा चलो चलो ये मेरे पीछे आ रहा है गाइस, इसको अभी फाइट में नहीं भिड़ाएंगे क्योंकि यार फाइट में अगर ये पड़ जाएगा ना तो दिक्कत होगी। और एक और एबिलिटी होती है पेट्रोडॉन की, आप जो है ना पेट्रोडॉन से किसी भी स्मॉल डायनोस को भी उठा सकते हो गाइस, तो अब इसको फटाफट लेके चलते हैं बेस पे। सैडल के बारे में आपको मैं वहाँ पे चल के बताता हूँ। तो चलो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ अपने बेस पे और ये रहा गाइस हमारा पेट्रोडॉन, अब इसको नीचे बिठाते हैं, बैठ जा भाई नीचे। चलो ये फाइनली लैंड हो चुका है। तो गाइस इसकी एक और एबिलिटी रहती है, ये जो है ना किसी भी डायनो को पिक कर सकता है बट स्मॉल डायनोस को, जैसे कि ऑटर हो गया, बड़े बड़े डायनोस को पिक नहीं कर सकता जितना अर्जेंटाइविस करता है ठीक है, बट छोटे छोटे को ये पिक कर सकता है। और देखो इसकी खूबसूरती देखो भाई, बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और इसके स्टैट्स देखोगे तो वो भी गाइस अच्छे हैं, स्टेमिना वगैरह भी अच्छा रहता है, तो आप बहुत अच्छे से मैप जो है ट्रैवल कर सकते हो। और ये रहा गाइस टैनरी शॉप, इससे आप सैडल को परचेस करना है क्योंकि 25 लेवल पे आपको सैडल इसका अनलॉक नहीं मिलता है। अगर आप देखोगे तो इसका जो सैडल है वो आपको 38 लेवल पे अनलॉक मिलेगा, और 38 लेवल तक जाना विदाउट फ्लायर पॉसिबल नहीं होता है गाइस, इसलिए आपको जो है ना ये टैनरी शॉप से सैडल परचेस कर लेना है। टैनरी शॉप कहाँ से मिलेगी आपको, टैनरी शॉप मिलेगी आपको इन्वेंट्री में जाना है और यहाँ पे आपको सबसे आखिरी वाला जो साइन रहता है उसके अंदर आना, और यहाँ पे आपको मिल जाता है यहाँ पे स्ट्रक्चर्स के अंदर टैनरी शॉप, 15 एम्बर्स का रहता है गाइस, बट यार इसको परचेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस, क्योंकि आप स्टार्टिंग में 20 लेवल के आगे नहीं जा सकते हो विदाउट मैप को एक्सप्लोर करें, क्योंकि यार एक्सप्लोर नोट्स होते हैं जो कि अलग अलग कोने में रखे रहते हैं गाइस। और ये जो आपको सैडल मिलेगा 170 क्यूर्स का मिलता है, जिसे आप एम्बरल से क्यूर बाय कर सकते हो, इतने एक्सपेंसिव नहीं होते, तब आराम से एक सैडल तो खरीद सकते हैं, उसके बाद आप जो है ना इस सैडल को अनलॉक करते रहना, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आती है ठीक है। तो गाइस इस तरह से आपको एक सैडल परचेस करना है, और इस तरह से आप जो है ना एक चीज़ें कर सकते हो। एक और मैं चीज़ देखना है आपने को, ये देखो गाइस
ये लैस्ट्रोसोरस है ना, इसका कोई यूज़ नहीं लगता है, बट ये ऐसा डायनो है ना बाकी डायनोस की लेवल अप बढ़ाता है गाइस। इसका भी आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो, साइड पे आपने डायनोस लगा देना, लेवल बढ़ जाता है। देखो इसका तो लेवल बढ़ भी गया है। तो ये खास बात होती है गाइस, हर एक डायनो का अलग अलग स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। चलो गाइस, ये मैंने सैडल अपने पेट्रोडॉन से निकाल लिया है, जो कि मेरा पहला पेट्रोडॉन था। मैंने सेम टैनरी शॉप से ही खरीदा है। जो मैंने किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो अभी मैं यहाँ से इसको लगा देता हूँ हमारा सैडल, और चलते हैं अब इसके ऊपर राइड करते हैं। भाई साहब बहुत गजब होता है जब आप पहली बार किसी फ्लायर पे बैठते हो ना आर खेलते टाइम पे, मज़ा ही आ जाता है गाइस। और ये देखो इसका स्पीड अप स्लो इसलिए क्योंकि मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो गया। तो इसकी लेवल अप करने के बाद मुझे इसके वेट में कॉइन डालने पड़ेंगे, ठीक है यार, वो तो हम करेंगे धीरे धीरे। बट यार आज तो हमने इसको टेम कर लिया गाइस। तो आप भी जो है ना लो लेवल पे, तो आपको इसको टेम करना पड़ेगा गाइस, तो आप इस तरह से कर सकते हो गाइस। तो चलो गाइस आज की वीडियो में इतना ही गाइस। तो वीडियो आपको पसंद आए ना वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी करना है, और बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर देना गाइस, ताकि आपको जो भी लेटेस्ट वीडियोस आए उसके नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए गाइस। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट में गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।